मोदी जी का सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट था स्वच्छता अभियान, और ख़ास करके जो छोटे बच्चों के लिए, स्कूलों के लिए साफ सफाई रखना, उनके लिए अच्छे लैट्रिन वगैरह प्रोवाइड करना, ये एक अभियान चला है बड़े ज़ोरों से। लेकिन आपको दिखाते हैं फूलका का स्कूल, जहाँ पे गंदगी मची हुई है, कोई दरवाजे नहीं है, परेशान है बच्चे, वैसे भी स्कूल में सारे में गंदगी मची हुई है। जब एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा जाता है, लोकल से, तो वो कहते हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है इन कामों के लिए, नहीं ही सरपंच कोऑपरेट करता है। बदबू आती है और गंदा है यहाँ पर सर, बदबू आती है, और वो इसका यहाँ पर गेट है, वो उसके अंदर गिरा के उसके ऊपर लड़के हिसाब करते हैं। वहीं हम आपको दूसरा स्कूल की हालात दिखाते हैं, जो प्राइमरी स्कूल है, जिसका रास्ता देखें आप, रास्ते में सारे गंद पड़ा हुआ है, और दोनों तरफ गहरे तालाब हैं, अगर बच्चे जाएं तो कभी भी हादसा हो सकता है। इन हादसों को बचाने के लिए कुछ भी साधन नहीं है। जब इसके बारे में जिला अधिकारी से पूछने की कोशिश की जाती है, तो वो इधर उधर भागते हैं, बार बार कोशिश करने के बाद भी वो सामने कैमरे के नहीं आए हैं। अभी पुराना सेशन ख़त्म होने जा रहा है और नया सेशन अभी शुरू होना है, और हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इन बच्चों की सेफ्टी के लिए कदम उठाएगा। इसी उम्मीद के साथ न्यू न्यूज़ फॉर यू के लिए डॉक्टर गुलाब सिंह।